जो मेरी आस्था से यहाँ मंदिर में आते हैं उनकी आस्था से अल्लाह मियाँ या हमारे भगवान उनकी आस्था को पूरा करते हैं, वो सब मुझे जानते हैं। पूरा शेर मुझे जानता है, मुसलमान 90% या 95% मोहम्मदन मुझे जानता है। कभी कभी मंदिर मस्जिद में मेरी दावत भी कर देते हैं, मैं दावत भी खाई जाता हूँ। और जो रमजान होते हैं तो रमजानों में मुझे बुलाते हैं तो मैं खजूर से उनके यहाँ रमजान खोलता हूँ और मैं उनके यहाँ खाता पीता भी हूँ। वो मेरे यहाँ खाते पीते हैं, मुसलमान मुसलमान नहीं है, वो हमारे भाई हैं। मैं उनको अपना भाई मानता हूँ, वो मुझे अपना भाई मानते हैं। और हम हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, हमारे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, हम सब एक हैं। कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, वो कहते पंडित जी आप हमें उठाते हैं तो आप खुदा को उठा रहे हो, हम उठ करके खुदा के नहीं आ जाते हैं। और आप हम ये दुआ करते हैं कि हमारा देश और हमारे पंडित जी हमेशा बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। गंगा जमुनी तहजीब वाला हमारा देश आज किस ओर जा रहा है, इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि देश में जहां राजनीति होती है वहां जाति और धर्म का राजनीतिकरण भी ज़रूर होता है। लेकिन एक हमारे साथ ऐसे पंडित जी कह लो पुजारी जी हैं, वो मौजूद हैं जो करीब 15 साल से लोगों को नमाज के लिए उठाते हैं, यानी सुबह की नमाज के लिए उठाते हैं। और ये काम वो करीब पिछले पंद्रह साल से करते आ रहे हैं। उनकी क्या आस्था है इसके पीछे, लेकिन ये हमें एक ऐसा मैसेज देती है जो हमें देश की तरक्की के लिए ले जाएगा और देश में अमन सुकून कायम करने के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। सबसे पहले जान लेते हैं आपका नाम क्या है। मेरा नाम ज्ञान प्रकाश शर्मा है। आप कौन से मंदिर में रहते हैं, क्या करते हैं? मैं श्री मंदिर काली मंदिर में रहता हूँ। और मेरा ध्येय यह है कि हमारा जो है सब हिंदू मुस्लिम की सबसे भाईचारा हो और हमारा देश आगे बढ़े। तो ये इसका आपका मकसद है लोगों को उठाने का, जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं जो सुबह की नमाज़ के लिए आप उठाते हैं, उसका उद्देश्य आपका क्या? हाँ, मेरा ये उद्देश्य है कि हमारा उनसे भाईचारा बढ़े और प्रेम बढ़े। वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। आप पूरे खुशी से पूछ सकते हैं मुसलमानों से कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। वो कहते पंडित जी आप हमें उठाते हैं तो आप खुदा को उठा रहे हो, हम उठ करके खुदा के नहीं आ जाते हैं। और आप हम ये दुआ करते हैं कि हमारा देश और हमारे पंडित जी हमेशा बने रहें। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दोनों धर्मों के बीच नफ़रत फैलाते हैं और उन धर्म का चोला पहनकर लोगों के बीच नफ़रत बांटने का काम करते हैं, चाहे वो राजनीतिक लोग हों, चाहे वो कोई संगठन के लोग हों, इस तरह के ये सभी धर्मों में ऐसे होते हैं, उकसाने वाले जो होते हैं। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या नसीहत देंगे इन्हें? उनके लिए हम यही है, हम वो हमसे चाहे नफरत कर लें कि हम उनसे प्यार करें और अब भाईचारा बढ़ाएँ, ये हमारा ध्येय। अच्छा, एक प्रयागराज की वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी की, उन्होंने अभी हाल ही में कहा कि जब सुबह की अजान होती है तो मुझे उससे खलल पैदा होती है, मतलब परेशानी होती है, तो उन्होंने आपत्ति जताई। तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए ये कहेंगे कि वो ऐसा ना करें। और जो है ये तो भगवान का ही नाम होता है, सुबह जो होता है ये भगवान का नाम होता है। अल्लाह हो चाहे ईश्वर हो, एक ही बात है, ईसाई विसाई सब एक ही चीज़ है। हम तो ये चाहेंगे कि भाई वो ऐसा ना करें और जो है भगवान का नाम सुबह वो भी लें और हम लोग भी लेते हैं और मोहम्मदन लोग भी लेते हैं, मुसलमान लोग भी लेते हैं। हमारा उनसे भाईचारा बढ़ेगा, ऐसा ना करने से हमको नफरत पैदा नहीं करनी चाहिए। अच्छा, क्या देश में मंदिर मस्जिद की राजनीति होनी चाहिए और क्या नेताओं को नफरती भाषण देने चाहिए, जो आजकल बेबाक बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं नेता, इस तरह के जो भाषण जो लोगों में दूरियां पैदा करते हैं, तो उन नेताओं के लिए, ऐसे सामाजिक लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो इस तरह का काम करते हैं नफरत फैलाने का? उनको बिल्कुल ये कहेंगे वो तो दुष्ट पिक्चर के लोग हैं और जो है वो अच्छे लोग नहीं हैं। क्यों वो ऐसा नफरत फैलाते हैं? हमारा देश को एक होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं हम मजबूत हों और एक हों। हमको जो है ऐसे नफरत नहीं करनी चाहिए, उनको भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए ऐसा है कि वो लोग जो नफरत करते हैं या आग फैलाते हैं उनको दंडनीय करना चाहिए। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद भी देश में कुछ इतना जो सांप्रदायिकता फैली हुई है, हिंदू मुस्लिम की बात होती है, कोई भी चुनाव आएगा उसमें सबसे पहले हिंदू मुस्लिम की बात होगी, तो इस तरह की राजनीति क्या देश को तरक्की के लिए ले जा सकती है? नहीं, राजनीति तरक्की नहीं ले सकती। हम तो ये चाहेंगे भाई साहब हम एक हों और जो है हम सब भाईचारा बनाएं और हमारा देश उन्नति पर पहुँचे। मुसलमान भी ये चाहते हैं, ऐसा नहीं है। मेरी मोहम्मदों से बात होती है, 90% मोहम्मदन चाहते हैं हमारा देश तरक्की पर पहुँचे। खुद 10% आदमी ऐसा होता है जो कि ये चाहता है कि हमारा देश गड्ढे में जाए और वो हमसे नफरत करता है। अच्छा, ये और बता दीजिए आप कहाँ के मंदिर में आप पुजारी हैं, कब से यहाँ पर?
भैया हाँ जी, हम उसको यहाँ पे हमारा जो ये मंदिर है ये 3000 वर्ष पुराना मंदिर है और ये हमारा पर्सनल घर का मंदिर है। और पहले मेरी बुआ करती थी, मेरे बाबा करते थे, अब मैं स्वयं कर रहा हूँ। मैं जो है नगर प्रगाम में सर्विस करता था, 2011 से मैं रिटायर्ड हो गया, लेकिन मैं पूजा पाठ जो हमेशा इस मंदिर में अपनी में करता रहा। अब मैंने मंदिर जो है यहाँ से अपना मंदिर स्वयं संभाल लिया है और मैं उसका पुजारी भी हूँ और उसका सब कुछ हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये पंडित जी हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये लोगों को सुबह इसलिए उठाते हैं ताकि वो अपनी इबादत के लिए जा सके, नमाज के लिए जा सके, और उसी दौरान ये मंदिर में आते हैं, इस मंदिर को उस सेवा काफ़ी समय से दे रहे हैं। और आपको बता दूं, इनके पूर्वज भी इस मंदिर में सेवा देते रहे हैं, फिर अब ये यहाँ पर पहुँचे हैं तो इस मंदिर की देख रेख सब इन्हीं के हाथ में है। लेकिन इनकी तरफ से एक बात बहुत अच्छी कही गई है दोस्तों, इस बात पर हमें भी अमल करना चाहिए कि 90% की जो आबादी है वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम भाईचारे को लेकर इस देश में रहना चाहती है, निवास करना चाहती है, लेकिन जो कुछ अलग तबका है, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाला अराजक तत्व का जो तबका है वो कहीं ना कहीं इस देश के माहौल को बिगाड़ता है। लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि जब भी कहीं चुनाव होते हैं तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीतिकरण होता है। एक चीज़ और मैं इनसे जानूंगा अभी, क्योंकि हमारी बात अभी इनसे चली रही है, कि देश में जाति को लेकर भी कई तरह की अड़चनें आती हैं, कई तरह के विवाद होते हैं। अच्छा, जाति पर आप क्या कहेंगे? अधिकतर ये है कि हम लोग तो हम जो हमने मंदिर में सबको आने देते हैं, क्योंकि मंदिर सबका है और कोई जाति वाति नहीं है, वहाँ से हम सब एक ही आए हैं, ईश्वर ने हमको एक ही बनाया है, यहाँ करके हमने जाति बना ली है। लेकिन ऐसा हमको नहीं कहना चाहिए, हम सब एक होने चाहिए जिससे हमारा देश आगे बढ़े और हम उन्नति करें और हम सब एक हों, ये मेरा उद्देश्य है। ये उद्देश्य तो बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि जाति धर्म में कुछ नहीं रखा है, आप सब मिलजुल कर रहेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, उन्नति की ओर बढ़ेगा। लेकिन हमें इस बात को भी समझना होगा दोस्तों, जब जाति और धर्म का राजनीतिकरण होता है तो उससे केवल देश की जनता को नुकसान होता है, बाकी जो राजनीतिक लोग हैं और जो इसका राजनीतिकरण करने वाले लोग हैं वो केवल धर्म और जाति के नाम पर अपनी रोटियां सेकते हैं, अपने वोट बैंक मजबूत करते हैं और देश को फिर एक बार नफरत की ओर धकेल देते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, इतने सालों से आप इन सबको नमाज के लिए उठाते हैं, मुस्लिम समाज के लोगों को, तो काफ़ी लोग आपको जानते भी होंगे, उनसे किस तरह का वास्ता है, मेलजोल कैसा है, तालमेल आपका कैसा रहता है उनसे? ऐसा है, मेरे यहाँ पे मंगल शनिवार को मैं पूजा करता हूँ स्पेशल, तो मैं यहाँ जो है मोमडन औरतें भी आती हैं, लड़कियाँ भी आती हैं, मोमडन बहुत सी आती हैं जो मेरी आस्था से यहाँ मंदिर में आती हैं, उनकी आस्था से अल्लाह मियाँ या हमारे भगवान उनकी आस्था को पूरा करते हैं, वो सब मुझे जानते हैं, पूरा शेर मुझे जानता है, मुसलमान 90% क्या 95% मोमडन मुझे जानता है कि मैं कैसा आदमी हूँ, वो सब मेरे यहाँ आते हैं, बड़ी आस्था से आते हैं, मैं भी जाता हूँ कभी कभी मंदिर मस्जिद में मेरी दावत भी कर देते हैं, मैं दावत भी खा जाता हूँ। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि एक भाईचारे की वजह से, किसी धर्म की वजह से या किसी धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं है और जो लोगों से आपका तालमेल है वो अच्छा है। और यहाँ मतलब घर भर पर भी जाना आना होता रहता है? हाँ, मैं इन सब लोगों के घर पर जाता हूँ और जो रमजान होते हैं तो रमजानों में मुझे बुलाते हैं तो मैं खजूर से उनके यहाँ रमजान खोलता हूँ और मैं उनके यहाँ खाता पीता भी हूँ, वो मेरे यहाँ खाते पीते हैं, तो हमारा उनसे बहुत अच्छा मेल जोल है। मुसलमान मुसलमान नहीं है, वो हमारे भाई हैं, मैं उनको अपना भाई मानता हूँ, वो मुझे अपना भाई मानते हैं और हम हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, हमारे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, हम सब एक हैं। तो ये भाईचारे की एक मिसाल बने हैं पंडित जी, और मैं भी इन्हें सलाम करता हूँ, जो इनकी सोच है वो वाकई काबिले तारीफ़ है, वो इन्हें एक ऐसे रास्ते पर लेकर आई है जो लोगों को जोड़ने का काम करती है, ना कि तोड़ने का काम करती है। इनका कहना है कि काफ़ी सालों से जब उन्हें नमाज़ के लिए उठाते हैं तो उनसे ऐसे संबंध हैं, एक भाईचारे वाले संबंध हैं, ये उनके घर भी जाते हैं, वो भी यहाँ आते हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज की महिलाएँ हों, वो मंदिर में अपनी आस्था लेकर आती हैं। और जैसा कि पंडित जी ने बताया कि वो उनका कहना है कि उनकी मान्यताएँ, जो उनकी मन्नतें हैं वो भी यहाँ पूरी होती हैं। और ये भाईचारे के लिए एक संदेश जो इन्होंने दिया है, ये हम सबको इस पर अमल करना चाहिए और इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि धर्म कोई भी हो, ऊपर वाला सिर्फ़ एक है और भाईचारे की वजह से ही ये देश उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। और हम Time24 भी लगातार आपसे अपील कर रहा है कि इलेक्शन का टाइम हो या किसी सभा का टाइम हो, जब भी कोई राजनेता आए तो उसे धर्म जाति की बात ना करके उसे विकास की बात करें, विकास के मुद्दों पर बात करें, देश में जो सांप्रदायिकता फैल रही है उसको कैसे तोड़ा जाए, कानून व्यवस्था कैसे सुधारी जाए, उस पर नेताजियों से सवाल करें, जो आपके स्थानीय नेता आते हैं उनसे ये सवाल ज़रूर करें
कि जो हमारा देश है वो कैसे तरक्की करेगा, इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, देश में जो नफरत फैल रही है वो कैसे कम होगी, तो इसकी जीती जागती मिसाल आपके सामने ये पुजारी जी बैठे हैं। ये कहीं ना कहीं इस बात का संदेश देते हैं कि आपको और हमें मिलजुल कर रहना है, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। वरना दोस्तों, जल तो हम पहले ही रहे हैं, लड़ तो हम पहले ही रहे हैं, मर भी हम पहले से ही रहे हैं। ये सब पहल करने की शुरुआत है। अगर आप ऐसे हम लोग या आप सब लोग ऐसी पहल करते हैं, ऐसी शुरुआत करते हैं कि हम ये सब दिल के जो मतभेद हैं इनको भूल कर एक दूसरे के अगर काम आ जाएँ तो देश हमारा तरक्की करेगा। दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारे बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन को दबा के इस खबर को भी शेयर करके लोगों को जागरूक करते रहें। नमस्कार, आदाब।